स्कैनर करके जो भी डिटेल्स था फिल करके पे तो कर दिया, लेकिन फिर वहाँ पे कंफर्मेशन नहीं आया। बहुत ही पीसफुल एंड काम है, मतलब कन्नूर आ रहे हो ना, मस्ट विजिट है ये जगह, क्योंकि यहाँ का ये मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है। दिस फोर्ट वॉज कम्प्लीटेड ऑन 1505, इसके पीछे की भी स्टोरी है। हे गाइस, आज है नेक्स्ट डे और हम जा रहे हैं अभी एक फोर्ट घूमने के लिए। कौन सा फोर्ट जा रहे हैं वो जाके पहुंच के बताते हैं, क्योंकि यहाँ का ये मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो यार लेट्स गो, जल्दी से निकलते हैं। आज सुबह से हम लोगों ने बहुत चिल किया, बहुत ही चिल मॉर्निंग था, मतलब इधर उधर घूम रहे थे, कुछ ज़्यादा करने को भी था नहीं। इस वक्त हम निकले एंड सनसेट का भी टाइम होने वाला है कुछ देर में। या सो लेट्स गो। जिस रिजॉर्ट में हम रुके ना, वहाँ लाइन से सिर्फ रिजॉर्ट ही रिजॉर्ट है। आप देख रहे हो, लाइन से रिजॉर्ट मिलेगा, करीबन 1 किलोमीटर तक सिर्फ रिजॉर्ट ही रिजॉर्ट है। एंड ठीक बीच, रोड पार करके ही बीच है, तो यही एक इस जगह की खासियत है। एंड यहाँ का रोड भी काफ़ी सही है, एकदम प्रॉपर रोड है। यहाँ रहे शैंकी ड्राइविंग द कार। तो अचानक से ही हमारा प्लान बना कि चलो ये फोर्ट घूम के आते एक बार। देखा वीडियो तो लगा कि हाँ वर्थ है जाना। चलो फिर पहुंच के बताते हैं। ये लगता है प्रॉपर सिटी सेंटर आ गए। थैंक यू फॉर विजिटिंग कंटोनमेंट। अभी बहुत ट्रैफिक होती है। बहुत ट्रैफिक। अगर पहुंच जाते हैं। नहीं, सिटी सेंटर बोल के ट्रैफिक है उस तरफ। नहीं, उधर जो हम लोग चल गए। मेरा बोर्ड, यहाँ से स्ट्रेट जाना है। पुलिस का हर जगह बैरिकेड, नो फोटोग्राफी की खाई क्या, डिफेंस एरिया, नो पार्किंग, हर जगह ग्रीनरी ग्रीनरी है ना, वेल मेंटेन्ड, पूरा रोड भी वेल मेंटेन्ड है। शायद ये एरिया मिलिट्री के अंडर आता है ना, तो अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। कैंटोनमेंट से वाली खाता, थैंक यू फॉर विजिटिंग कैंटोनमेंट। इधर उन लोगों का पार्ट ये है, क्वार्टर्स ग्राउंड, वहां पे इसलिए खड़ा है एंट्रेंस पे, ये चेकिंग करने के। बस आ ही गए, 100 मीटर दिखा रहा है। ये तो यहाँ पे भी बोर्ड लगा है, सेंट एंजेलोस बोर्ड। पार्किंग है ना, पार्किंग है, बहुत बड़ी पार्किंग है, बहुत सारी गाड़ियां पहले से लगी हुई है। चलो अंदर जाके देखते हैं, कुछ एंट्री फी भी है, देखते कितना है। चलो पहुंच गए और अच्छी खासी पार्किंग है यहाँ पे, इस तरीके का यहाँ पे फुल पार्किंग है। अंदर जाके देखते हैं, कुछ तो एंट्री फी है जैसा कि हम लोगों ने देखा था। ये टिकट काउंटर, एंट्री टू फोर्ट इज फ्री लिखा है, फॉर चिल्ड्रेन अप टू 15 इयर्स ऑफ एज। गेट ओपनिंग टाइम 8 AM to 6 PM। तो यहाँ पे स्कैन करके आप पे कर लो ऑनलाइन टिकट के लिए। ओनली कैश है यहाँ पे, सो मेक श्योर आप कुछ कैश कैरी करके आओ। तो उन लोगों ने बोला अगर कैश नहीं है तो ये आपके पास ऑप्शन है, ऑनलाइन कुछ डिटेल्स फिल करने बोल रहे हैं। सो ऑनलाइन हम लोगों ने स्कैनर करके जो भी डिटेल्स था फिल करके पे तो कर दिया, लेकिन फिर वहाँ पे कंफर्मेशन नहीं आया। तो उन लोगों ने मैसेज जो था डेबिट वाला वो देखा, बोला ओके यू कैन गो। कितना लगा? 40 रुपीज़, और काउंटर से 25 रुपीज़ है। तो इस तरह से एंट्रेंस है, अच्छा लग रहा है फोर्ट। और इस तरफ से कुछ वाटर बॉडी भी यहाँ पे है। वो स्कैनर का ये
स्कैनर का ये खींच के हम लोग स्क्रीन पे डाल देंगे। हाँ, तो आप एडवांस में बुकिंग कर सकते हो, और वहाँ पे ये अभी लिखा है कि इंस्टेंट बुकिंग भी हो सकती है, लेकिन वही कंफर्मेशन नहीं आया, तो ठीक है हो गया जो भी काम। ऑप्शन तो था ओनली कैश वो बोल रहे थे, बट ऑप्शन तो था ऑनलाइन का, तो वो है। एक पोस्ट तो वहाँ काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। So hold me tight through the night. This fort was completed on 1505. इसके पीछे की भी स्टोरी है। जब वास्को डा गामा ने इंडिया विजिट किया था, तब लोकल किंग कोलाथगिरी ने एक पोर्चुगीज को लैंड किया वहाँ पे सेटल होने के लिए। एंड ऑन 23 अक्टूबर 1505 ही गेव द पोर्टुगीज लीडर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा द परमिशन टू बिल्ड अ फोर्ट एट द साइट। तो सो कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया था नेक्स्ट डे से, और 24 अक्टूबर 1505 को ये फाइनली कम्प्लीट हुआ। सो वहाँ ऊपर जाना है हमें, लेट्स गो। अच्छा है ना, यहाँ से हम एंटर किए हैं और इस तरीके का कुछ फोर्ट दिखता है। उस तरफ भी बीच है जहाँ पे थोड़ी बहुत बोटिंग हो रही है। एंड ऐसे यहाँ से 360 डिग्री देख लो आप, इस तरीके का फोर्ट है। वर्थ है यहाँ पे आना अगर आ रहे हो कन्नूर, तो अच्छी जगह है ये। वहाँ पे व्यू पॉइंट है, थोड़ी देर बाद जाएंगे जब सनसेट होगा। नीचे भी जा सकते हो आप, पार्क एरिया जैसा बना है वहाँ पे आप बैठ सकते हो। एंड या इस तरीके का फोर्ट है, लोग हर जगह फ़ोटो खिंचा रहे हैं, हर जगह फ़ोटो लाइक बहुत सारे प्लेसेस है जहाँ पे आप फ़ोटो ले सकते हो। हमने यहाँ पे लिया ताकि पूरा फोर्ट का व्यू आए। सो काफ़ी सुंदर है। ऐसे टनल टनल क्यों बनाए, क्या करते होंगे वो लोग? ऐसे स्टोर हाउस होगा या पता नहीं, छुपने की जगह होगी। लेकिन वहाँ पे ही है, वहाँ पे तो दरवाजे भी बनाएंगे रहने के लिए भी हो सकते हैं या क्या? नहीं, रहने के लिए तो नहीं होगा, कुछ रीजन होगा इसके पीछे। वैसे बहुत सारे टनल्स बना हुआ है। एंड ये है यहाँ का व्यू पॉइंट, यही इस जगह की खूबसूरती है। सुंदर है ना व्यू। पोर्चुगीज लोग आए थे, वो लोग हमेशा यहाँ समंदर के पास ही फोर्ट क्यों बनाते थे? क्योंकि यहाँ से भागने में आसानी रहती है। हाँ, बोट करके भाग सकते हैं। ओके, या आने में कोई, लेकिन भागते कैसे होंगे? यहाँ पे तो पूरा बहुत ही ऊंचा है, बहुत हाइट पे, भागते कैसे होंगे? कुछ नीचे से रास्ता होगा ना, रास्ता बनाते हैं लोग, कोई रास्ता तो होगा। जो आते हैं लोग यहाँ से, तो बोट से इजी रहता है आने के लिए, तो इसीलिए यहाँ फोर्ट बनाते हैं। क्योंकि देखा ज्यादातर फोर्ट बीच के पास ही रहता है, वो कैबोडेरामा। हाँ, गोवा में जितना फोर्ट है सब सी के पास ही। कैबोडेरामा वाला नहीं देखा होगा तो आई बटन में रहेगा, जाके देखा। हाँ, वो भी ऐसा ही था। और क्या बनाते थे यार, देखो अभी भी जियो का त्यो है, पूरा ही जैसा बना के गया वैसा ही। हाँ, और उसके पास हर फोर्ट में इतना ग्रीनरी रहता था ना, यहाँ भी अच्छा खासा बनाया इन लोगों ने। इस तरफ बीच है, यहाँ पे फोर्ट है, और उस तरफ थोड़ा ऐसा पार्क टाइप का है। यहाँ पे लोग आराम से बैठ रहे हैं आके, वहाँ पे कुछ खाने पीने का थोड़ा बहुत शॉप्स है। वाओ, सच में बहुत ही खूबसूरत है। बहुत ही पीसफुल एंड काम है, मतलब कन्नूर आ रहे हो ना, मस्ट विजिट है ये जगह, मिस मत करना इसको, बहुत ही खूबसूरत सा है, बहुत ही सुंदर है। एंड उसका प्लस पॉइंट है ये व्यू, बहुत ही अच्छा।
6 o'clock फूड बंद हो जाती है तो 5:45 से ही विसल करना शुरू कर देते हैं। हम लोग ऊपर फोटोज वोटोज ले रहे थे, वीडियोस ले रहे थे, बोला निकलो निकलो, और सुनते ही नहीं है, बोल रहे हैं जाना है तो जाना ही है। सीट्स बनाया होगा कुछ ना, हमें स्टार्टिंग में बोला कि आज हाँ यहाँ पे कुछ शो होता होगा शायद पहले। हाँ पहले ये देखो ये इनका तोप हुआ करता होगा, यहाँ से ये हमला करते होंगे। यहाँ का एग्जिट है, वहाँ गाड़ी पार्क है। इतनी ऊंची ऊंची दीवारी बनाते थे, कोई जा ही नहीं सकता था, सोच के भी सही बनाते थे पहले। खाली हो गया यार पार्किंग, कितनी गाड़ियाँ थी, सिर्फ हमारा और एक उधर खड़ा है। दोनों कर्नाटक का रेस, हाँ दोनों की है। ये वाला गाड़ी देखो, अच्छा लगता है मुझे ऐसा विंटेज गाड़ी सारा। एंड हम वहाँ से निकल के कैफ़े काजे आ गए हैं, सुना था रील्स में देखा था काफ़ी फेमस है, एंड इस तरह का बाय द बीच ये रहा वहाँ आगे चल के है रेस्टोरेंट। और यहाँ पे अगर आप रह नहीं रहे हो, एक्चुअली ये मैस्कॉट होटल के नीचे ही है, अगर आप रह नहीं रहे हो तो वहाँ पे आपको 100 rupees पे करके एंटर करना है, विच इज़ लाइक रीज़नेबल। 100 rupees तो एंट्री की दे ही सकते हैं। अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सनसेट अभी अभी हुआ है। चलते आगे कैफे में बैठते हैं।